हेलो दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको लेके चलूँगा ट्रेड फेयर सेक्टर 12 फरीदाबाद में। यहाँ लगा हुआ है साल का आखिरी ट्रेड फेयर और काफ़ी कुछ यहाँ पर नया भी देखने को मिलेगा, कुछ चीज़ रिपीट भी होंगी। तो मैं सिर्फ उसी स्टॉल्स को दिखाऊंगा आज जो कि नए यहाँ पर आए हैं। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर और देख लेते हैं कि क्या क्या वहाँ पर नया है जो देखने को हमें मिलेगा, जो कि पिछले ट्रेड फेयर में नहीं था। तो चलिए चलते हैं और देख लेते हैं वहाँ क्या क्या नया है। ये है इसका एंट्री गेट, गेट बिल्कुल पहले जैसा ही है और यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं बाय पेटीएम और कैश, और मास्क अगर भूल गए हैं तो वो भी ले सकते हैं। ये देखिए टिकट। ये मेला 24 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक ही है, उसके बाद शायद हमें ये एक साल बाद ही देखने को मिलेगा। और ये है इसकी पार्किंग, और विदाउट मास्क यहाँ एंट्री नहीं है, तो मास्क लेके जाएं, अगर बाई चांस भूल जाएं तो यहाँ काउंटर पे मिल जाएगा। एंट्री करने के बाद आपको ये बहुत सारे स्टॉल यहाँ ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पर अलग अलग वैरायटी है। और ये देखिए ये है एक मैजिक टैब, इसमें पानी कहाँ से आ रहा है लोग हाथ लगा लगा के चेक कर रहे हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग था लोगों के लिए। और ये हैं कुछ जैकेट्स जिनका प्राइस फिक्स है 650 रुपये। कुछ लोग यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, चलो इनसे बात करके देखते हैं। कुछ लिया सर आपने? कुछ लिया है? शॉपिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। क्या रेंज है इसकी जो लिया? 650। ये कुछ ज्वेलरीज भी आप यहाँ से ले सकते हैं जो 150 रुपये में आपको यहाँ से 2 सेट मिल जाएंगे। काफी अच्छी कलेक्शन है, देखिए। और ये हैं किचन में यूज़ होने वाले कुछ टूल्स जो मुझे लगता है कि सबके पास होने चाहिए, जो काफ़ी हद तक काम को आसान कर देते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इसका क्या प्राइस है। क्या चीज़ है ये? पीलर है, चाउमिन नूडल्स में कहीं पे यूज़ करो इस टाइप से। गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी कोई चीज़ पील करना चाहते हैं, ऊपर नीचे दोनों साइड पील करेंगे और दूसरी साइड से चाइनीज़ के लिए गाजर की लच्छी, मूली की लच्छी, अदरक की लच्छी, किसी भी लच्छी निकालें, की लच्छी निकालें। कितने का है ये? पूरा सेट आता है 1500 रुपये का सेट आएगा पूरा। 1500 रुपये का? यस yes, गोभी के पराठे, गोभी मंचूरियन में पालक, सरसों का साग, मेथी, धनिया, कोई सब्जी चॉप कर लो। मिक्सी लाते ही लाइट का झंझट होता है, लाइट का झंझट नहीं, किसी के अंदर धोने की जरूरत नहीं, 5 से 7 सेकंड में चॉप करेंगे, ये चॉपिंग करेगा, चॉपिंग पर्पज। इसमें 2 प्लेट मिलाएंगे, मलाई से मक्खन, लस्सी बनाओ, केक बीटिंग करो, बेसन फेंटो, एग बीटिंग करो, आपको सरसों का साग, मेथी, धनिया कोई चीज़ काटना है, सरसों का साग डाल दो, मेथी डाल दो, धनिया डाल दो और फटाफट चॉप करो। ये 3 पीस का सेट आएगा पूरा, हर आइटम सिंगल मिलेगा, सिंगल भी ले सकते हैं, अलग से 690, 290, 690। ये 2 आइटम और एक तीसरा आइटम मिलेगा फ्रेंच फ्राई फिंगर चिप्स के लिए। ऐसे पोटैटो रखना है, प्रेस करना है और इसी के अंदर आपको ये फिंगर चिप्स निकल जाता है डायरेक्ट फ्राई पर्पज के लिए। साग वगैरह काटना चाहते हैं इसी में? आपको साग काटना है 690 का, आपको साग काटना है इसी में, आपको साग रख दो, प्रेस कर दो और इसी में आपको साग वगैरह भी यूज़ करेंगे। ऑनियन वगैरह, टमाटर वगैरह कोई सब्जी क्यूज करना चाहते हैं, मिक्स वेज में, फ्राई राइस में, तड़के में, पाव भाजी में बारीक क्यूज करेगा, और बारीक करना है तो दोबारा डाल देंगे, रिपीट करेगा क्यूज करना। ये 690 का है? ये 690, ये भी 690
ये 290 पूरा कंप्लीट सेट 1500 रुपए का किचन सेट। आपका मोबाइल नंबर क्या है अगर कोई मंगाए तो? हाँ जी आपका मोबाइल नंबर बता देंगे, बताओ 9595785243। थैंक यू। कुछ लोग आपको यहाँ बार्गेनिंग करते हुए भी नजर आ जाएंगे। दो ही तो आपके सामने जो है, दो ही है। ये जाली के साथ 650 बता रहा हूँ, आपने जाली ले ली है तो आपको 550। और बताओ 500 रुपये दे देना, और बताओ 500 रुपये दे देना, और बताओ। बच्चों की एक्टिविटी के लिए भी काफी सारे गेम्स यहाँ मौजूद हैं। और ये एक स्टॉल है जहाँ पर हॉट पैक, हेयर ड्रायर और ये काफ़ी सारी मशीनें हैं जो बालों को स्ट्रेट करने के लिए होती हैं, कर्ल करने के लिए होती हैं, जो आपको इस स्टॉल पे मिल जाएंगी। और ये है रोबोटिक डायनासोर देखने की एंट्री, जिसकी टिकट 100 रुपये है। तो ये बच्चों को दिखा के आप उनको खुश कर सकते हैं। इस वाले स्टॉल पर बच्चों के लिए हर आइटम 30 रुपये का है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप आर्ट के शौकीन हैं और आप अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं पेंटिंग से, तो ये स्टॉल आपके लिए ही है। विंटर के कुछ कपड़ों की सेल भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, जैसे कि हर ट्रेड फेयर में 100 रुपये से लेके 200-300 तक। तो काफ़ी कलेक्शन यहाँ होती है, आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, सर्च करने पड़ेंगे, तो आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं।
आपको अपनी किचन के लिए अगर गैस स्टोव और चिमनी लेनी हो अलग अलग मॉडल में, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी वारंटी के साथ। काफ़ी सारे मॉडल यहाँ अवेलेबल हैं अलग अलग प्राइस में। इस स्टॉल से आप कोई जैकेट या कोई स्वेटर अगर लेना चाहते हैं तो आपको 450 रुपये में कोई भी एक आइटम मिल जाएगा। और ये एक स्टॉल है उन लोगों के लिए जो पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, घर में गार्डनिंग करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, खाद वगैरह, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। और गमलों को रखने के लिए अलग अलग स्टैंड भी अलग अलग प्राइस में आपको मिलेंगे, जो कि अलग अलग डिज़ाइन में होंगे। बच्चों के लिए इस ट्रेड फेयर में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं झूलों के, तो इसमें कुछ 2-3 ऑप्शन ही आपको देखने को मिलेंगे। और ये है कॉटन कैंडी, ये बच्चों ने या आपने कई बार खाई होगी, लेकिन अगर बनते हुए नहीं देखी है तो आप देख लीजिए इस तरह से ये बनती है। और खाने के लिए भी काफ़ी सारे स्टॉल आपको यहाँ मिल जाएंगे, जैसे कि हर ट्रेड फेयर में थे, तो कई तरह की वैरायटी है, ये भी देख लेते हैं। और ये हैं मिट्टी के बर्तन, जो कि काफ़ी हेल्दी बताए जाते हैं, तो आप उनको भी यूज़ करके देख सकते हैं। तो काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों की।
ये कुछ हुडीज हैं और शर्ट्स भी हैं यहाँ पर जो 250 रुपये में आपको मिल जाएंगी। कितने की जाली है ये? जाली 120 की एक है, दो लेने पर 200 की मिलेगी आपको। जैसे बैंगन वगैरह बुनते हैं, बैंगन से निकलने वाला 90% पानी जल के बीच में खत्म हो जाएगा जाली की नीटिंग के वजह से। बैंगन जलेगा नहीं, खराब नहीं होगा, वरना सेफ है। मैक्सिमम 3 से 4 मीटर बैंगन बुन के तैयार। जो काम नॉर्मल गैस पे करेंगे आप 10 मिनट में, जाली लगा के वो काम तकरीबन आपका 7 मिनट में ही हो जाता है। इसके अलावा बैंगन बुनना है, पापड़ रोस्ट करना है, शिमला मिर्च कबाब, टिक्का लिट्टी, बाटी, शकरकंदी भुट्टा, कुछ भी आसानी से इस पर आप रोस्ट। यहाँ पर 100 रुपए में आप 2 बच्चों को कैमल राइड भी दिलवा सकते हैं। चॉकलेट पान, पाइन एप्पल पान, मैंगो पान, फायर पान, पड़लिका पान, मीठा स्वीट पान, डेस्टी पान, फायर पान। जितनी भी पान की वैरायटी इन्होंने बताई है सारी सारी वैसे तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आप यहाँ आए तो कम से कम एक तो जरूर आप ट्राई करें। दोस्तों ये साल का आखिरी ट्रेड फेयर था जो फरीदाबाद में लगता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।